Hi, what's up everyone? Welcome to another vlog. I'm Danish here. So today we are going to Toronto Christmas market. As you can see here, my family, Dashu. Dashu, ye kya bani hui? Deer bani hui? Reindeer. Reindeer. Haan ji, Moon saab. Aapki aur meri to matching ho gayi hai. Yes, bhai. Mavish kidhar hai? Mavish. Wah ji, wah. Sahi hai bhai. Mavish, aap bhi bhai Germany se ho hain? ये मेरी सिस्टर हैं, ये जर्मनी रहती हैं। तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं टोरंटो, तो आज आपको मैं दिखाता हूँ क्रिसमस मार्केट, एंजॉय करते हैं साथ में, ठीक है? और आ जाइए जी। तो आज वेदर बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है और मौसम ठीक है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। फैमिली इधर है, अम्मी इधर। हाँ जी अम्मी, कहाँ जा रहे हैं जी? हम घूमने जा रहे हैं। सही है, टोरंटो। हाँ, किधर? टोरंटो जा रहे हैं। चलो सही है भाई। हाँ। और दूसरी फैमिली भी ये यहाँ आ गई है, ये हमारे भांजे साहब ये आ गए हैं इधर। तो चलिए चलते हैं। सर जी, क्या हाल है? और अस्सलाम जी। एडी कहाँ छुपा हुआ है? एडी एडी को अंदर से देखना पड़ेगा। इधर उधर था भाई, एरा आ गया। एडी, हाय मामू। हाय, हाउ आर यू? हाय मामू। हेलो। इट्स कूल, इट्स रेनिंग। एडी, एडी बहुत खामोश हुआ है। हाँ जी एडी, एडी, एड्रियल, एड्रियल, इधर इधर इधर, लुक एट हियर, इधर। हाँ जी, कोल्ड हो रहा है? इज गेटिंग कोल्ड, इज गेटिंग कोल्ड। हम लोग कब आए थे कनाडा में? 2016 में आए थे ना, सितंबर में आए थे। तो ये जब ये हम आए थे ना इधर, यहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ये खाली था यहाँ पे। अब देखें ये चार साल पाँच साल के अंदर अंदर ही ये सारा स्टोनी क्रीक का एरिया और इतना इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया और ये सब हमारे सामने बने चार साल में। क्या से क्या चेंज हो गया? चेंज कर दिया। हाँ, और ये जितनी भी ये सारी बिल्डिंग्स हैं सब हमारे सामने बने। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक घर नहीं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में हमने ये टी शर्ट्स बाय की थी और ये हमने यहाँ से, हमारे पास ही फैन सेंटर सेंट कैथरीन में है ये स्टोर है भाई साहब ने और मैंने, दोनों ने इकट्ठे सेम ही हमने स्टाइल लिया था, सेम डिज़ाइन लिया था और हमने स्पेशली इसी के लिए लिया था कि क्रिसमस मार्केट जाएंगे और वहाँ इसको पहनेंगे। दिन आज है और आज हमने पहन लिए। चले चलते हैं और मैं आपको बाहर का वेदर दिखाता हूँ। जैसे ही हम मिसिसागा में अभी एंटर ही हुए हैं तो ये देखें स्नो स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की स्नो पड़ रही है साइडों पे, देखें स्नो पड़ी हुई है। टेम्परेचर हमारा हो रहा है 0 डिग्री, ठीक है, इतना बैड नहीं है टेम्परेचर भाई। पहले हुई है बारिश, ठीक है, अब हो रही है स्नो। तो मुझे ये डर है कि ये सुबह तक ब्लैक आइस ना बन जाए। क्या क्या भाई, आप तो विनीपेग में रहे ना, तो आपको कैसा वहाँ पे? मैंने सुना बड़ी एक्सट्रीमली टेम्परेचर वो हो जाता है, माइनस में चले जाता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है वहाँ पे। 50 माइनस, अच्छा माइनस 50 तक चले जाता है वो। बट दे मजे की चीज ये है, जबरदस्त चीज ये है कि यहाँ पे कोई भी चीज जैसे है ना, टेम्परेचर आपका जितना मर्जी स्नो हो जाए यहाँ पे चीज़ें नहीं रुकती, आपकी ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती। ठीक है, ट्रैफिक स्लो हो जाती है पर ये नहीं कि हाईवेज बंद हो गए, रोड्स बंद हो गए, सब कुछ वैसे ही नॉर्मल चलता रहता है जैसे चल रहा है। अब ये देखें स्नो हो रही है और यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। इवन आप देख रहे हैं रोड्स बिल्कुल साफ है, कोई रोड पर स्नो नहीं है। पर जिस लेन में हम लोग ये चला रहे हैं, मैं आपको बता रहा था, तो मोस्टली जो नए ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पे आके मिस्टेक्स करते हैं और उनको इस लेन में टिकट मिलता है। ये जो लेन है ये दो हों पैसेंजर्स या
या दो से ज्यादा हो, लाइक अ फैमिली या अगर आप दो हो, तो देन यू कैन ड्राइव हेयर, अदरवाइज दिस इज नॉट एग्जिस्ट फॉर यू इफ यू आर सिंगल ड्राइवर. तो ये है कि ये लाइन आपके लिए नहीं अगर आप सिंगल ड्राइवर हैं. हाँ, मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत ऐसे हैं सिंगल जो हैं वो करते हैं ड्राइविंग, इसमें उनको टिकट भी पड़ती है. हाँ जी, टिकट भी पड़ती है. अभी कल ही मैं यहाँ से जा रहा था तो एक गाड़ी रोकी हुई थी कॉम ने, यहाँ पे साइड पे रुकी हुई थी उसका, और वो है भी सिंगल ही था. ज़्यादा इतनी आज ट्रैफिक है नहीं है. गाइज, हम लोग जब यहाँ सेंट कैथरीन से हम लोग जब टोरंटो की तरफ से जाते हैं, सो इट टेक्स 1.5 आवर राइट टू रीच देयर. डेढ़ घंटा हमें लग जाता है. जी मुन भाई, जी क्या भाई? देखने आए हो? क्या देख रहे भाई? मैं तो इधर बत्तियां देखने आया हूं. बत्तियां देखन? ओ भाई, तुसी बत्तियां देखन आए हो? मुझे लगता है बिल्डिंग देखने आए. मुन देख, इतनी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे, हैं? देख लो बत्तियां, देख लो. सुना था कि लोग कहते हैं बत्तियां देखने आए हैं, मगर आज हम पहली दफा मुन के मुंह से सुना के कह रहा है मैंने बिल्डिंग देखने आया हूं. तो बड़ा अच्छा लगा. आप बताओ. बड़ा अच्छा लग रहा है. हाँ, बिल्डिंगे देख रहा हूँ, इतनी ज्यादा है यहाँ पे. लाइट भी बहुत ज्यादा हो गई, जारी सी बात है. ये लाइटें भी, ये देखें स्ट्रीट लाइट, इन्होंने लाइटें चलाई हुई है यार. पाकिस्तान में रात को नहीं आती, यहाँ पे दिन में भी चल रही है लाइटें. अरे यार सही बात है, उधर लाइट, उधर गैस भी नहीं आती भाई आजकल. आजकल तो गैस भी मेरी बेटी ने वहाँ पे सिलेंडर लिया है. वो कहते हैं सिलेंडर ले लो बनाने की बड़ी. हाँ जी, हाँ जी. तो भाई बड़ी मुश्किल से हमें मिली है पार्किंग. तो ये देखें, अभी हमने जस्ट गाड़ी पार्क की है और ये है कि 8 मिनट की यहाँ से वॉक है. और सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है टोरंटो में एज कम्पेयर टू नायग्रा फॉल्स सेंट कैथरीन. तो लेट्स सी, देखते हैं, पार्किंग से बाहर निकलते हैं तो दिखाते हैं. बच्चे रो रहे हैं. चलें, चलते हैं. अच्छा भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8 मिनट की वॉक है, पल्टन मेरे सारे पीछे है, ये देखें. और स्नो देखें यहाँ कैसी हुई हुई, बहुत जबरदस्त, वंडरफुल. एडी, एडी ये रहे, एडी बॉय ये रहे. हाँ भाई, एक स्लोमो तो बना हम दोनों की. हाँ जी, हाँ जी, तो ये भी कर रहे हैं, ठीक है. वाह जी वाह, सही जा. आज बेटा ना आए बीच में जी. मुंडा ऑन है तो मुंडा आएगा ऑन हर जगह. कौन सा? वो तो मेरा छोटा भाई है. ध्यान ध्यान से देखे इस बंदे को. यही है, यही आईडी का बाप है. छोटा भाई है, वो कहता ही भैया है, भैया भैया. आज हम जी क्रिसमस मार्केट आए हैं, बहुत ही प्यारी क्रिसमस मार्केट को विजिट कर रहे हैं. हाँ, विच इज लोकेटेड इन टोरंटो. देखते हैं क्या क्या उसमें खास है, क्या खूबियाँ, क्या कमियाँ, सब निकालेंगे. सब निकालेंगे, खोल के निकालेंगे, चुन चुन के निकालेंगे. चुन चुन के निकालोगे? हाँ, बहुत ज्यादा है. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. Thank you.
यार ये पकड़ो सर, देखे यार कितना कुछ स्लिप हुई है। ओके चलो चलो मुंबई दोनों कुछ नहीं है यार भाई, इतना नहीं है। It's too dark here because all the lights are. आइए बाजी। करिए स्केटिंग पे। क्या बोले? बाजी, बाजी। भाई जब भी आप इधर आओ, तो आप अपने स्केटिंग वाले लेके आओ, हम भूल गए हैं। हाँ। इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, अब हम जस्ट फील ले रहे हैं। फील। ये मून भाई की वीडियो भाई शेयर करें, वायरल होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें चैनल, क्योंकि बड़ी मेहनत से बना रहे हैं भाई। मोहन भाई। हाँ जी सही है, सही है, ठीक है, खुश हो? सर्दी है, ठंड है? सर्दी है लेकिन मेरे लिए तो नहीं है, आपको पता ही है। अरे यार क्या बात है भाई, कुछ बोल दो। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मून बत्तियां देखने आया यहाँ पे। ओए हाँ, ये हमें बोल रहा था बत्तियां देखने आया हूँ मैं, स्पेशल बत्तियां देखनी है। और ये पाज क्या देखने आया? ये बिल्कुल नहीं भाई, लाइटों का बिल्कुल नहीं, ये टेंशन लेते, पूरी जला के रखते हैं, बिल चाहे जितना मर्जी आए। इंडिया पाकिस्तान की तरह नहीं, उधर तो लाइट ही नहीं आती, आप इधर आ जाओ। और बहुत घूमने के बाद हम लोग इस रेस्टोरेंट गए, और ये लोकेटेड था मिसिसागा में। अगर आप नॉनवेज लाइक करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर इस रेस्टोरेंट को विज़िट करें और जाएं, और फूड इनका बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। अब ये ले लो, खा के आपसे बात होती है। एक मिनट। अच्छा, और इस रेस्टोरेंट की खास बात ये है, अगर आपको रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा लगा है तो ताशु ज़रा वो जा के दिखाओ, और आपने ये नहीं भूलना। हाँ जी, खाना तो अब हो गया है, खाना बहुत ज़बरदस्त था, अब हमने पीनी है चाय। यहाँ फाइट हो रही है कि चाय बनाएगा कौन बनाएगा कौन बनाएगा मून भाई चिड़िया। अच्छा वैसे मैंने देखा कि यार मून भी आप चाय बहुत अच्छी बनाते हो हैं। अच्छा चाय मून भाई के हाथ की, ठीक है जी, चलें चलते हैं घर और पीते हैं मून भाई की मसाला चाय। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, और ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर लव, पीस आउट, स्टे ब्लेस्ड।